हेलो फ्रेंड्स, मैं बताने जा रहा हूं आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के वैसे क्वेश्चन को जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन जो कि ऋग वैदिक काल से संबंधित है, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास में ये ऐसा टॉपिक है जो कि किसी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है अपने आप में, और खास करके बिहार से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो BPSC के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आती है, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का संबंध स्पेशली बिहार से ही है, और जो कि ऑल इंडिया के क्वेश्चन इतिहास क्वेश्चन में चलता है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और वेलकम टू योर फ्यूचर। तो ठीक है, तो हम वैसे क्वेश्चन में देखते हैं, प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था में किसे सामाजिक स्तर में सबसे ऊपर रखा गया? वर्ण व्यवस्था में सामाजिक स्तर में जो सबसे ऊपर रखा गया है वो कौन था? वो था ब्राह्मण, यानी कि जो चतुष्वर्ण समाज के जो कल्पना किया गया था, वर्णन किया गया था ऋग्मंडल के 10वें मंडल में, उसमें जो पुरुष सूक्त था जिसमें कि समाज को चार भाग में बांटा गया था, चार तट के लोगों में, जो कि था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें सबसे ऊपर रखा गया था किसको? ब्राह्मण को। प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था क्या था कि जीवन को चार भाग में बांटा गया था? तो यही था आश्रम व्यवस्था, जिसमें अलग अलग टाइप की जानकारियाँ दी गई थी और मनुष्य की उम्र को 100 साल माना गया था। आश्रम व्यवस्था के अनुसार प्रथम चरण कौन सा था? यानी कि ब्रह्मचर्य, यानी कि प्रथम आश्रम व्यवस्था के प्रथम चरण में ब्रह्मचर्य को पालन करना बहुत जरूरी था, यानी कि इस चरण में शिक्षा ग्रहण करना ही सबसे इम्पोर्टेंट माना गया था। और आश्रम पद्धति में मनुष्य के जीवन को चार चरण में विभक्त किया गया था, तो तीसरा चरण कौन था? इसका नाम था वानप्रस्थ। वानप्रस्थ जो था वो इसका तीसरा चरण था। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य की मुख्य भूमिका क्या थी? व्यापार और कृषि काम करना। वैश्य की भूमिका क्या थी? व्यापार करना और कृषि काम करना। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ करना, यानी उसका मेन काम यही था। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का मुख्यतः क्या था काम? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ करना। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो प्रकृति की उपासना था। ब्राह्मणवाद, जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, किस काल का है? तो ब्राह्मणवाद का जन्म हुआ था ऋग वैदिक काल में, यानी कि आज से 1500 साल, ईस्वी सन से 1500 साल पहले। उस ऋग वैदिक देवता का नाम बताए जो ऋतु का मालिक हो, उसका नाम था वरुण, वरुण धवन, वरुण। ऋग वैदिक काल के पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वो था पशुपालन, बाद में जाके वो कृषि काम करना शुरू किया। ऋग वैदिक में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन था? ये था इंद्र। ऋग वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता था इंद्र, जो कि वर्षा का देवता था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वो था इंद्र। वैदिक समाज के आचरण नियम किसमें वर्णित है? तो ये है वेद में। उसके देखिए, वैदिक समाज के आचरण नियम किसमें वर्णित है? तो वेद में। वैदिक युग के लोग द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? वैदिक युग, यानी कि आर्यों ने एक धातु का खोज किया था, वो धातु कौन सी थी? बहुत ही जाना पहचाना धातु है, वो था लोहा। यस, लोहा का खोज वैदिक लोगों ने किया था, लोहा का प्रयोग करना शुरू किया था। उसके बाद से समाज में एक रिवोल्यूशन आ गई थी, क्रांति आई थी। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीही शब्द का अर्थ क्या होता है? व्रीही का मतलब होता है चावल। ऋग वैदिक काल में समाज का चार वर्णों में वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? तो व्यक्तिगत व्यवसाय के आधार पर, यानी कि काम के आधार पर। ऋग वैदिक नदी वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? यानी कि एक नदी था जिसका नाम था वितस्ता उस जमाने में, लेकिन अभी वही नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है झेलम नदी। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बहती है और श्रीनगर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? परुशनी नदी। इसको याद करने का देखिए, रावी नदी लाहौर में बहती है, यानी कि पाकिस्तान में, और पाकिस्तान हम लोगों का पड़ोसी है, तो यानी कि रावी नदी का प्राचीन नाम परुशनी नदी। ऋग वैदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलन में नहीं थी? तो द्वि विवाह प्रथा प्रचलन में नहीं थी। द्वि विवाह का मतलब क्या हुआ? द्वि विवाह का मतलब हुआ कि एक आदमी दो औरतों से शादी करना, या फिर हाँ बस यही हुआ कि एक से ज़्यादा विवाह करने की प्रथा प्रचलित नहीं थी। कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? तो यानी कि जातक, ये बौद्ध साहित्य है। उच्च जाति के दूल्हे और नीच जाति के दुल्हन के बीच में विवाह कहते हैं,
अनुलोम विवाह, यानी कि ऊंची जाति के लड़के का विवाह नीची जाति के लड़की के साथ हो तो इसको कहते हैं अनुलोम विवाह। उसका महाजनपद, तो प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? अवंती की राजधानी थी उज्जैन। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या है? वज्जी, जो जिसको कहते हैं वैशाली। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूरी दुनिया में पूछी जाती है कि सबसे पहला गण यानी कि लोकतंत्र राज्य कहाँ स्थापित हुआ था? ये हुआ था लिच्छवी में। लिच्छवी कहाँ पड़ता है? वैशाली में। वैशाली यानी कि वज्जी, उत्तर बिहार। वज्जी संघ के द्वारा, वज्जी संघ किसके द्वारा शासित था? तो बहुसंख्यक राजाओं की एक संसद द्वारा, यानी कि बहुसंख्यक राजाओं की एक संसद द्वारा। प्राचीन मगध राज्य के बारे में क्या सकते हैं? तो यानी प्राचीन मगध राज्य की राजधानी थी राजगिर, जो कि बाद में हुई थी पाटलिपुत्र। अब हम शुरू करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट नंबर टू, जैन धर्म। यस, तो जैन धर्म के वैसे क्वेश्चन जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन कौन सा है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था ऋषभ देव ने, महावीर ने नहीं किया था इसकी स्थापना, ऋषभ देव ने किया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तीर्थकर मतलब जो उसको शुरू किया था, पर सबसे पहला पंडित उसको बोल सकते हैं, वो था ऋषभ देव। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं? तो महावीर को, महावीर स्वामी को। यानी कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, स्थापना तो किसी और ने किया लेकिन वास्तविक संस्थापक मतलब क्या, कि उसने उस धर्म को एक इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया, वो था महावीर। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो वो थे महावीर। यानी कि जैन धर्म में टोटल तीर्थकर की संख्या हुई 24, जिसमें कि महावीर थे 24वें। महावीर का मूल नाम क्या था? वो था वर्धमान। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर की माँ का क्या नाम था? त्रिशला। महावीर की माता का नाम था त्रिशला। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में, बिहार में। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? ये क्षत्रिय कुल के थे। महावीर का जन्म किस कुल में हुआ था? ज्ञात्रिक कुल का। उस कुल का नाम था, वंश का नाम था ज्ञात्रिक। जैनवाद को पूर्ण ज्ञान में किस रूप में उल्लेख करता है? कैवल्य के रूप में। महावीर ने कब निर्वाण की प्राप्ति की थी? 546 ईस्वी पूर्व में। तब निर्वाण का मतलब क्या हुआ? निर्वाण का मतलब हुआ जीवन चक्र के चरण से मुक्त हो जाने, यानी कि मर जाना। तो 546 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। महावीर को निर्वाण कहाँ हुआ था? तो पावापुरी, ये बिहार में ही पड़ता है पावापुरी। कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो पावापुरी। कौन सा उपदेश जैन धर्म के उपदेशों में शामिल नहीं है? तो भगवान का, भगवान में विश्वास। जैन धर्म भगवान को नहीं मानता था। जैन और बौद्ध में क्या समानता है? यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में एक ऐसी बात है जो कि समानता है, तो दोनों धर्म अहिंसा में विश्वास करते हैं। और वैसे हाँ, ये दोनों धर्म अहिंसा में विश्वास करते हैं। भारत की सबसे ऊंची पत्थर की मूर्ति जो जैन संत गोमतेश्वर की है, वो कहाँ है? गोमतेश्वर की मूर्ति भारत में सबसे ऊंची है, जीके में पढ़ चुके हैं, ये है श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई थी? तो चामुंडराय ने। और यही मूर्ति थी बाहुबली फिल्म, बाहुबली की वही मूर्ति थी शायद। उसके बाद आते हैं सबसे इतिहास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है बौद्ध धर्म। इतिहास का ABCD बोल सकते हैं इसको, और बौद्ध धर्म से मैक्सिमम क्वेश्चन, चाहे एग्जाम कोई भी हो, इंडिया के किसी भी भाग का एग्जाम हो, उसमें बौद्ध धर्म का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो गौतम बुद्ध किस शताब्दी में हुए थे? ये हुए थे 6वीं शताब्दी BC। BC मतलब बिफोर ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि ईसवी सन से पहले। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थान है? बौद्ध का। बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के पिता क्या नाम था? तो ये इनका नाम था शुद्धोदन। गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोदन। महामाया कौन थी? गौतम बुद्ध की मम्मी का नाम था महामाया। ओके, और गौतम बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक क्या था? यानी गौतम बुद्ध जब घर छोड़े थे उसका एक सिंबल दिया गया था, वो सिंबल का नाम था घोड़ा, हॉर्स।
गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया, जो कि बिहार में पड़ता है, पटना के उस साइड, बोध गया में। बोधि वृक्ष का नाम बताया जिसने जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो था पीपल का वृक्ष। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, यानी ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ में। सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये बौद्धों का एक पवित्र स्थल है, क्योंकि वहां पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या है? सुत्त पिटक। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किनसे था? विचारों और चरित्र की शुद्धता से। भगवान बुद्ध ने साधारण लोगों की भाषा में अपना उपदेश दिया था, वो भाषा कौन सी थी? पाली भाषा थी। अब देखिए इसको याद बिल्कुल इजली कर लीजिए, क्योंकि देखिए गौतम बुद्ध और महावीर में बहुत सारी चीजें समान रूप से है, लेकिन गौतम बुद्ध ने कौन सी भाषा प्रयोग किया था? वो था पाली। इसको कैसे याद कीजिएगा? क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल में, नेपाल से नेपाली और गौतम बुद्ध का भाषा पाली। याद हो गया? चलिए ठीक है। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? गौतम बुद्ध ने। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म का सिद्धांत है? यह बौद्ध धर्म का। महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? वो हुई थी कुशीनगर में, कुशीनगर यूपी में, देवरिया के पास पड़ता है। बौद्धों का प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र कुशीनगर किस राज्य में है? तो यूपी में। किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो बिजली का गुल, तो ये मल्ल था, वो कौन था? वो था मल। ठीक है, मैं इसका लाइट बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। चलिए ठीक है। निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध ने क्या विहित किया था, यानी कि क्या माना था? वो था अष्टगुण पद, अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध साहित्य लिखा गया है कौन सी भाषा में? तो पाली भाषा में। अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु किसके उदाहरण है? तो बौद्ध साहित्य के। बौद्ध धर्म किससे संबंधित है? एक ईश्वर में विश्वास, यानी कि बौद्ध धर्म एक ही ईश्वर में विश्वास करता था। शब्द भिक्षु किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से। चार आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है? चार आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अस्तु चैत्य मठ का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। बुद्ध के स्मृति शेष कहाँ संरक्षित है? तो स्तूप के रूप में संरक्षित है। बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ पर मनाए जाते हैं? तो बुद्ध के अवशेष को। तो ऐसा कहा जाता है कहानियों में, गौतम बुद्ध की मृत्यु जब हुई थी तो उस समय उनके शरीर को 8 भागों में बांटा गया था और 8ों भाग पे स्तूप बनवाया गया था। प्राचीन काल में बिहार का मतलब क्या था? बौद्ध मठ। मठ का मतलब तो मंदिर होता है। हीनयान और महायान किस धर्म के दो भाग है? यह है बौद्ध धर्म के ही दो भाग है, हीनयान और महायान। उसको देखिए, बौद्ध धर्म जिसे बुद्ध के भगवान की तरह पूजनीय बताया गया वो है हीनयान। किताब का, अच्छा किताब नहीं, मतलब कि बौद्ध धर्म का बंटवारा हुआ था दो भाग में, वो था हीनयान और महायान। तो भगवान की तरह पूजनीय बताया गौतम बुद्ध को वो था हीनयान। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की माँ थी, मम्मी थी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। राजगीर यानी राजगिरी में प्रथम बौद्ध परिषद का प्रायोजक कौन था? अजात शत्रु, यानी कि प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था राजगिरी में, जहां का राजा कौन था? अजात शत्रु। बुद्ध के मरणोपरांत हुए बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। तीसरा बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में। भारत के किस क्षेत्र के क्रियाकलापों में बौद्ध धर्म का सबसे अधिक योगदान है? कला और साहित्य में। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर दोनों किसके शासनकाल के दौरान अपने सिद्धांतों का प्रचार किए थे? वो थे बिंबिसार। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दो उपदेश, दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? वो थे बिंबिसार। तो ये रहा पेज 3, इतिहास, हिस्ट्री जीएस पेज 3। तो
हमें उम्मीद है आपको लोगों को हमारा ये सीरीज पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक कीजिए। जितने ज़्यादा लाइक होंगे हम उतने ही ज़्यादा यानी कि मन से वीडियो बनाते हैं, और डिसलाइक रहता है तो फिर हम थोड़ा सा ओके ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप पहली बार देख रहे हैं हमारी वीडियो को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आपने यदि आप ये बात सोचिए कि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता है। यदि आता है तो ठीक है, नहीं आता तो बेल आइकन को थोड़ा क्लिक कर दीजिए। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।